अभी मैं धर्मनगर आया हूँ और ये है एरिया जो है ये इसे बोलते हैं चंद्रपुर, और ये जो आप मेरे ठीक पीछे क्लब देख सकते हैं वो है एरियंस क्लब। तो यही कैंडल मैं आपको अभी घुमा के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ये मैं पूजा पैंडल आपको अभी घुमा के दिखा देता हूँ।
मैं आ चुका हूँ यहाँ पर नोयापारा, और ये आप देख पा रहे हैं ठीक मेरे पीछे, ये है एथलेटिक क्लब। और चलिए ये पूरा पैंडल घूम के देखते हैं और आपको पूरा मैं दिखाऊंगा इसके अंदर और क्या क्या आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एथलेटिक क्लब में हाल ही में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं शंभू राय, उनको श्रद्धांजलि भी प्रदान किया गया है। ये बहुत ही गर्व की विषय है हमारे लिए कि इतना बड़ा क्लब हमारे देश के जवानों को सपोर्ट कर रहा है। तो आप सभी लोग हमारे देश के जवानों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और ये देखिए यहाँ पर बच्चों के अमेजमेंट के लिए यहाँ पर ऐसे खेलने के लिए चीज़ें बनाए गए हैं, बच्चे इस चीज़ का आराम से मज़ा ले सकते हैं। तो आप भी अगर यहाँ पर आपके बच्चे के साथ आते हैं तो ज़रूर इन चीज़ों का मज़ा लीजिएगा। রূপে ঘোষিত শিব সৃষ্টি স্থিতি লয় রূপে তিন কারণের কারণ। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র শিবই বর্তমান ছিলেন, তিনি লীলাচ্ছলে ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু রূপে পালন করেন এবং রুদ্র রূপে সংহার করেন। দেবাদিদেব মহাদেবেরই অপর এক রূপ হল নটরাজ রূপ। তার মূর্তির মধ্যে ধ্যানমগ্ন অবস্থা বা মায়াসুরের পিঠে তাণ্ডব নৃত্যরত অবস্থার মূর্তি নটরাজ নামে পরিচিত। মহাকাব্য অনুযায়ী এই নটরাজই নৃত্যের প্রবক্তা। নটরাজ সমস্ত ধার্মিক কার্যকলাপের এক মিলিত রূপ।
শিবের এই নটরাজ রূপের সঙ্গে বিজ্ঞানের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শক্তি ক্ষয় নেই, সৃষ্টিও নেই, শক্তি রূপান্তরিত হয়, এ কথা বিজ্ঞান বলে। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे।